Illustration number 9. On 1st January 2015, X sold goods to Y worth Rs. 10,000 on credit basis. 1st January 2015 को X ने goods sale की हैं Y को 10,000 की credit basis पे. तो इसकी transaction देखिए हम start करने लगे. X ने goods sale की हैं Y ने purchase की हैं. तो bill कौन draw करेगा? X draw करेगा. तो sale purchase की हम entry करते हैं सबसे पहले. 1st January 2015 X Y को गुड सेल करेगा तो Y को क्या करेगा डेबिट और सेल अकाउंट को क्रेडिट इतनी अमाउंट से 10,000 अब Y के बुक में हम एंट्री करेंगे Y क्या करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट और X अकाउंट क्रेडिट Y ने क्रेडिट में परचेजेस की डेट क्या है 1st जनवरी 2015 Purchases account debit और X account credit कितनी amount है 10,000 आपने इस क्वेश्चन को completely पहले read करना मैं साथ साथ read करके जो उसको solve करूँगा अब उसके बाद X drew on Y 4 bills of rupees 2500 each at 2 months, 3 months, 4 months and 5 months respectively इसके बाद X ने क्या किया है 4 bill draw किए हैं Y के ऊपर ठीक है हर बिल जो है उसकी अमाउंट 2500 है ठीक है पहला बिल जो है वो 2 महीने का दूसरा 3 का तीसरा बिल जो है वो 4 महीने का और चौथा बिल ड्रॉ किया है 5 महीने का तो बिल ड्रॉ करते हैं बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी बिल रिसीवेबल डेबिट और वाई अकाउंट क्रेडिट तो बिल ड्रॉ कीजिए डेट भी सेम है अभी चल रही है डेट चेंज नहीं की 4 बिल आपने ड्रॉ करने हैं वाई के ऊपर ठीक है 2500 ईच के बिल रिसीवेबल टू वाई फिर अगेन बिल रिसीवेबल टू वाई यानी कि बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और वाई अकाउंट क्रेडिट ये तीन हो गए और चौथा लास्ट बिल रिसीवेबल डेबिट और वाई अकाउंट क्रेडिट डेट यही सेम है सबके बिल की ड्रॉ नेक्स्ट क्या है जी एक्स रिटेन द फर्स्ट बिल टिल द ड्यू डेट एक्स ने पहला बिल जो है वो अपने पास ही रख लिया है बिल ड्रॉ करके ड्यू डेट तक यानी कि पहले बिल की अमाउंट कौन रिसीव करेगा एक्स रिसीव करेगा ये है जी फर्स्ट बिल ठीक है उसके बाद ऑन 4th जनवरी ही डिस्काउंटेड द सेकंड बिल विद हिज बैंकर एट 15% पर एनम 4 जनवरी को सेकंड बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करवा लिया बैंक डिस्काउंट की परसेंटेज गिवन है 15% परसेंटेज है ठीक है तो इसका डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम दूसरा बिल है जी 3 महीने का तो 4 जनवरी को डिस्काउंट करवाया ठीक है तो 3 महीने का ही डिस्काउंट निकालेंगे आप डिस्काउंट कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था अमाउंट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज के साथ जितने मंथ्स का होगा उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड कर देंगे 12 के साथ तो बैंक डिस्काउंट करवाने की क्या एंट्री होती है देखिए 4 जनवरी 2015 बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट डिस्काउंट कैसे आएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आ जाएगी जी डिस्काउंट की अमाउंट 93.75 आप इसको 94 भी लिख सकते हैं डिस्काउंट कितना 93.75 और बैंक में कितनी अमाउंट आई थी 2406.25 डिस्काउंट की आप ट्रांजैक्शन देख लें बैंक अकाउंट डेबिट है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट है बिल बैंक को सेल कर दिया दूसरा ये सेकंड बिल है ये वाला ठीक है डिस्काउंट कैसे निकाला 2500 अमाउंट है बिल की मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 100 अगेन मल्टीप्लाई बाय 3 3 महीने का बिल है ठीक है तो अभी 3 महीने बाकी है 3 महीने का डिस्काउंट निकाला मल्टी डिवाइड बाय 12 तो ये आ गया डिस्काउंट अब बैंक की बुक में हम एंट्री करते हैं इस इलस्ट्रेशन में सिर्फ आपने एक्स की बुक जो है ना वो बना दी ठीक है लेकिन हम सबकी बनाएंगे फॉर प्रैक्टिस
बैंक के पास बिल आ गया, बैंक क्या एंट्री करेगा जी? जनवरी 2015 को। अच्छा, हमने जो है वो एक्स की बुक में बिल तो ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो वाई की बुक में हमने जो है वो बिल ड्रॉ करने की एंट्री नहीं की, ठीक है, क्योंकि हमने एक्स की बुक बनानी है, ठीक है, इसलिए मैंने उसी के मुताबिक किया। लेकिन हम बना रहे हैं साथ साथ, तो वाई की बुक में पहले हम बिल ड्रॉ कर लेते हैं। तो बिल ड्रॉ करने की क्या एंट्री है? ड्रॉ करेगा बिल रिसीवर टू वाई, तो वाई क्या करेगा? एक्स अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो बिल ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम, इसीलिए एक्स अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट 25। एक्स अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट, चार बिल ड्रॉ किए हैं वाई पे, वाई पे, वाई पे, एक्स पे, ठीक है, एक्स अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। इस इलस्ट्रेशन में रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ एक्स की बुक है, ठीक है, लेकिन हम अच्छी प्रैक्टिस के लिए सबकी बुक्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम आपको इजीली समझ आए। ये चार बिल ड्रॉ हो गए, एक्स अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट, बिल ड्रॉ करने की एंट्री हो, ठीक है। पहला बिल तो वाई ने, एक्स ने पास रख लिया था, दूसरा बिल डिस्काउंट हुआ, वो बैंक के पास आ गया, बैंक क्या करेगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट से? 2500 से, और क्रेडिट किसको करेगा? एक्स को, 2406.25। और डिस्काउंट बैंक के लिए क्या है? इनकम, क्रेडिट करेगा बैंक 93.75। इसको आप राउंड करके इसलिए 94, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही इंडोर्स द थर्ड बिल इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर जेड ऑन 6 जनवरी। तीसरा बिल जो है अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया एक्स, ठीक है, तो अब Z को इंडोर्स किया, हम बनाते हैं Z की बुक साथ, ठीक है, तो साथ ही बना लेते हैं नीचे पहले Z बुक। जब बिल इंडोर्स करेगा ड्रॉ, तो क्या ट्रांजेक्शन करते हैं हम? बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं, और जिसको इंडोर्स किया जाता है उसको हम डेबिट करते हैं। किस डेट को किया जी? 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को एक्स क्या करेगा? जेड अकाउंट को डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट। कितना है? 2500 से। बिल की अमाउंट सबकी सेम है। ये तीसरा बिल जो इंडोर्स किया, ठीक है। उसके बाद जी द फोर्थ बिल ही सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 7 जनवरी 2015। चौथा बिल जो है ये वाला बैंक को भेज दिया है कलेक्शन के लिए। तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। जब बैंक को कलेक्ट करने के लिए भेजते हैं तो टेम्पररी अकाउंट हम ओपन करते हैं। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 7 जनवरी। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, कितने से जी? 2500। बैंक इसकी कोई एंट्री नहीं करता, क्योंकि बिल को सिर्फ बैंक को सिर्फ हम जो है वो अलाउ करते हैं कि हमारे बिहाफ पे बिल की अमाउंट रिसीव करके हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। बैंक इसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं करता। उसके बाद ऑल द बिल्स वर प्रेजेंटेड टू द एक्सेप्टर फॉर पेमेंट एट देयर रिस्पेक्टिव ड्यू डेट्स। जब ड्यू डेट आई तो तमाम बिल्स जो है वो एक्सेप्टर को दिए गए कि इसकी पेमेंट कर दी जाए। But he could not honor even one bill. लेकिन उसने एक भी बिल पे नहीं किया। All the bills were dishonored. ठीक है? तमाम बिल जो हैं वो dishonored हो गए। आपने क्या करना है? Pass the general entries in the box of X. आपने सिर्फ X की बुक में एंट्रीज कर दी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ dishonored की एंट्रीज कर दी। ठीक है? तो dishonored की एंट्री क्या होगी? हम एंट्रीज को रिवर्स कर देंगे। चलिए जी बिल dishonored करते हैं सारे वन बाय वन। सबसे पहले पहला बिल है 1 जनवरी का, ठीक है, ड्रॉ हुआ था ये, इसकी ड्यू डेट थी 2 महीने बाद, 1 जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मार्च को 2015। बिल डिस्काउंट की एंट्री क्या करेंगे हम? एक्स जो है वाई को दोबारा क्या बना लेगा? अकाउंट रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल को क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा, ठीक है। ये पहला बिल
बाय अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवर अकाउंट क्रेडिट, कितनी अमाउंट से थी 2500, क्योंकि पहला बिल ड्रॉअर के पास था, ये मैं साथ लिख रहा हूं इसके फर्स्ट बिल। उसके बाद दूसरा बिल जो है वो बैंक से डिस्काउंट करवाया था, इसकी ड्यू डेट क्या बन रही है, 3 महीने का बिल है, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, 4 अप्रैल। अच्छा ड्रॉई अपनी बुक में क्या करेगा, ड्रॉई एक ही एंट्री करेगा, बिल पेबल को दोबारा डेबिट कर देगा और एक्स को दोबारा क्या बना लेगा, अकाउंट पेबल। तो सब इसकी बुक में भी हम सारे ट्रांजेक्शन कर देते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 4 मार्च 2015 एंट्री रिवर्स करनी है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट। अब वाई की बुक में चारों बिल्स की यही एंट्रीज होंगी, बिल पेबल टू एक्स, बिल पेबल टू एक्स, ठीक है। ड्रॉ क्या करेगा, पहले बिल कर दी हमने एंट्री रिवर्स, सेकंड बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था, तो इसकी क्या ट्रांजेक्शन होगी, वाई को दोबारा रिसीव बनाएगा, वाई को डेबिट करेगा और बैंक को क्या कर देगा, क्रेडिट। 4 अप्रैल 2015 सेकंड बिल वाई को दोबारा डेबिट करेगा और बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट कर देगा, क्योंकि बिल डिसोनर हो गया, अकाउंट से पैसे वापस चले गए, बैंक ने कार्ड ही नहीं दोबारा। बैंक क्या करेगा, बैंक दोबारा जो है वो एक्स को डेबिट कर देगा, कितनी अमाउंट से, 2500 से, और क्रेडिट किसको करेगा, बिल रिसीवर। ये जी हमारा सेकंड बिल थी, हमने डिसोनर की एंट्री कर दी। उसके बाद थर्ड बिल किसको भेजा था, ये वाला, ये हो गया दूसरा, ठीक है, ये भेजा था जेड को इंडोर्स किया था, तो अब डिसोनर होगा तो एक्स क्या करेगा, वाई को उसी तरह अकाउंट रिसीवर बनाएगा, दोबारा डेबिट करेगा और जेड को दोबारा क्या बना लेगा, पेएबल, क्योंकि जेड पहले ही उसका क्रेडिटर था। 4 अप्रैल 4 मई बनती है इसकी ड्यू डेट, जो तीसरा बिल 3 महीने का, सॉरी 4 महीने का है, 4 मई की ड्यू डेट बनती है 2015। वाई को डेबिट किया और जेड को क्या किया, दोबारा पेबल बना लिया, कितने से, 2500 से। ये है जी थर्ड बिल। जेड क्या करेगा, जेड के पास पहले बिल आया था, तो जेड ने पहले सुबह डेबिट किया था और एक्स को क्रेडिट किया था, ठीक है, अब दोबारा क्या करेगा, एक्स को दोबारा बना लेगा रिसीवेबल और बिल रिसीवर को क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। दोनों ट्रांजेक्शन मैंने इकट्ठी कर दी, ठीक है, पहले मैंने की थी जब बिल इसके पास आया। लास्ट बिल जो है बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था, ठीक है, जो चौथा बिल है, फोर्थ बिल की क्या ट्रांजेक्शन होगी, 4 जून को बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देगा और एक्स को दोबारा क्या बना लेगा, अकाउंट रिसीवेबल, वाई को, सॉरी 4 जून 2015 को वाई को दोबारा अकाउंट रिसीवेबल बनाया और बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिल डिसोनर हो गया। ये थी आपका फोर्थ बिल। अब हमने बुक किसकी बनानी है, सिर्फ एक्स, ठीक है, तमाम बिल हमने डिसोनर कर दिए, इसको आप नोट कर लें, ड्रॉइंग की बुक आप नोट करना चाहते हैं कर लें, बैंक की कर लें और जेड की भी कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो, अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ड्रॉइंग जो है वो एक ही एंट्री करेगा चारों बिल्स की, बिल पेबल टू एक्स, ये आप लोगों ने खुद करनी है, ठीक है, मैंने पहले बिल की थी, बाकी 3 बिलों की भी यही एंट्री करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और एक्स अकाउंट क्रेडिट, ये 4 बिलों की एंट्री क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी।